आपने जो आगे ईगल देखे वो सिंपल ईगल्स है जिनकी वेट कैरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है, पर अब आपको सी ईगल से इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं जिनकी मैक्सिमम वेट कैरिंग कैपेसिटी 1.3 टू 1.4 केजी तक की होती है। लुक एट द सी ईगल। मैं घर पे बैठा रहता हूँ ना, रात को 1 बजे 1.5 बजे तक मोबाइल लैपटॉप लेके बैठने का कुछ नया नया आइडिया ढूंढते रहना, लेकिन वो क्या होता है, जितना भी आइडिया निकालो बस 5 दिन के अंदर वो कॉपी होता है। यहाँ के गवर्नमेंट के ऐसा। ये हमारे बोटमैन लकी भाई है, इनका कहना है कि जो ईगल फीडिंग की टेक्निक है वो उन्होंने कहीं नेट पे से ढूंढ निकाली, पर यहाँ की गवर्नमेंट कुछ उनको अप्रिशिएट नहीं करती। अगर उन्होंने फॉरेन में ये टेक्निक अप्लाई की होती तो उनको अप्रिशिएशन भी मिलता और कुछ इनकम भी होती। तो आगे जाके लकी भाई ने बताया, ये जो आप सी क्रो देख रहे हैं वो चाइना में फिश पकड़ने के जरिए से इस्तेमाल किया जाता है। पहले इसको पालतू बनाते हैं, फिर वो जो फिश पकड़ते हैं वो मछुआरे इनसे छीन लेते हैं और वो इलीगल है। तो पेलोलम बीच पे बोट का सफ़र हमारा यहीं ख़त्म हुआ, और मेरा आपसे सजेशन है कि आप पेलोलम साउथ गोवा जाए तो लकी भाई को ज़रूर हायर करें। आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और काफ़ी दिलचस्प इंसान है। Thank you.
है।